वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लवली इनू फाइनेंस के ऊपर, और उसके साथ बात करेंगे भाई इंडिया का बहुत बड़ा जो क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स है वो भी हैक हो चुका है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी जो बातें इन्हीं के ऊपर करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ, भाई क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड किसी भी कॉइन के रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस्टा कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट क्या रहा। तो भाई BTC बाई चांस चल रहा है $64,722 पे, 24 घंटों में 0.7% डाउन जा चुका है। BNB की बात करें तो $573 पे चल रहा है, 1.4% डाउन जा चुका है। 3444 पे हमारा Ethereum चल रहा है जो 1.1% डाउन गया है। Solana 2.5% डाउन गया है, $159 पे चल रहा है। तो ये कुछ मार्केट्स के हालात हैं। उसके साथ यहाँ पे बात की जाए भाई फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स को लेके, जो आज हमें 61 स्कोर के साथ ग्रिड में देखने को मिला है, जो कल हमने देखा था कि 69 स्कोर के साथ ग्रिड में था, और लास्ट वीक 29 स्कोर के साथ फेयर में देखने को मिला था, और लास्ट मंथ 74 स्कोर के साथ हमें ग्रिड में देखने को मिला था। तो वहीं पे अगर लवली इनू के हालात देखे जाए तो भाई 0.10 के बाद 2472 की प्राइस चल रही है, 0.58% पिछले 24 घंटों में ये बढ़ चुका है, और ये कुछ लवली इनू के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। तो भाई ये तो हो चुकी है ओवरऑल मार्केट्स की हालात। तो पहले बात कर लेते हैं भाई वजीर एक्स को लेके। जी बिल्कुल, इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स जो फाइनली हैक हो चुका है, और वो उसका हैक जो है बहुत बड़ा जो है मार्केट में डंपी लेके आ सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने बात की तो वजीर एक्स के तकरीबन $234.9 मिलियन की वर्थ के जो एसेट्स हैं वो हैक हो चुके हैं, जिसमें क्या हुआ है हमने देखा है कि पीपे, गाला, USDTA ये सारे जो काफ़ी इफेक्टेड हुए हैं। उसके बाद दूसरे टोकन्स भी है जिन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। अब अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे इंडिया के अंदर इतना बड़ा हैक हो चुका है, तो भाई इंडियन गवर्नमेंट्स में भी हो सकती है कि क्रिप्टो के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। उस एक्शन में हो सकता है कि भाई हमें जो है ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट है वो डंप की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। तो भाई यहाँ पे लोग मीम भी बना रहे हैं कि भाई अब हैकर्स को भी 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारी अच्छी खासी मीम्स वगैरह बना रहे हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे एक लिस्ट निकल के आती है जिसमें हमने देखा है शिप है, इथेरियम है, मैट्रिक है, पीप है, USDT है, गाला FTML, लिंक है, फीट है, जेस्मी है, डेंट है, चेयर है, सेंड है, हॉटेज, कॉटी है, इंचे और CLR और काफ़ी अदर टोकन है जिनका इतना बड़ा हैक जो है वो परफॉर्म किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बुरी न्यूज़ निकल के आ रही है। उसके बाद भाई JioTrust की तरफ फाउंडर की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आप थोड़ा पेशेंस रखें, वजीर एक्स को थोड़ा टाइम दें। CoinDCX भी ये कह रहा है कि भाई आप थोड़ा जो है पेशेंस वगैरह रखें। और हमने देखा है कि भाई ये इंडिया की हिस्ट्री में बहुत बड़ा हैक कंसीडर किया जाएगा। तो भाई यहाँ पे ये तो कुछ वजीर एक्स के हालात है। वहीं पे बात की जाए लवली इनू फाइनेंस को लेके, भाई लवली इनू को लेके क्या क्या अपडेट्स, क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, तो उसके ऊपर भी इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो क्योंकि आप सब जानते हैं कि भाई लवली इनू का जो है भाई एनिवर्सरी आने वाली है। जी बिल्कुल, तीसरी एनिवर्सरी आने वाली है। उस तीसरी एनिवर्सरी की खुशी में ये तकरीबन भाई 5 एक्सचेंजेस पे इसकी अपकमिंग हमें लिस्टिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद हमने देखा है कि भाई HTX ग्लोबल की तरफ से ट्वीट किया गया था इसको लेके, तकरीबन $5,000 का एक बहुत बड़ा जो है इन्होंने गिव अवे भी रखा हुआ है। उसके साथ भाई यहाँ पे क्रिप्टो जैक ने लवली इनू को लेके एक बहुत बड़ा ट्वीट किया। हमने देखा है ये काफ़ी सारे जो है भाई पेड प्रमोशन वगैरह भी करवाए जा रहे हैं, क्योंकि अब जो लिस्टिंग आने वाली है और जो हमने देखा है एनिवर्सरी आने वाली है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी एक टोकन की हाइप क्रिएट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनको फ़ायदा उन लोगों को होगा जो लॉन्ग टर्म के होल्डर हैं, जो एक अच्छे खासे लॉस में, तो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिटिंग हो सकता है कि भाई अपना लॉस जो है आप इसमें से निकाल सकते हैं। काफ़ी सारा ये जो है हाइप क्रिएट करने जा रहे हैं। उसके बाद भाई 5 लिस्टिंग्स भी होने जा रही है। तो भाई देखते हैं कि आगे चल के लवली इनू फाइनेंस किस तरह परफॉर्म करता है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लवली को लेके क्या सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई होगी और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।